वृद्धा आश्रम एक ऐसा नाम होता है जिसके नाम से ही महसूस होता है कि यहाँ रहने वाले हर इंसान की अपनी ही एक दर्द भरी कहानी है। इसी कहानी में छिपा होता है अकेलापन और एक दर्द। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो वृद्धा आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खुशियों की वजह बन जाते हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बॉलीवुड से अध्यात्म तक का सफर तय करने वाले राकेश रोशन से, जो अपने हर नए काम की शुरुआत इसी वृद्धा आश्रम से करते हैं, जिन्होंने अपना जन्मदिन पीरागढ़ी स्थित साई जीवधारा सेवा समिति के वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ मनाया। इस मौके पर धूमधाम से पहले भगवान कृष्ण के रूप माधव का भक्तिमय माहौल में जोरदार स्वागत किया गया। भजन और कीर्तन के दौरान सभी लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। अध्यात्म से जुड़े राकेश रोशन ने सबको धार्मिक विषयों पर जानकारी देते हुए नाम की माला का जाप करने का भी मंत्र दिया। यहाँ पहुंचकर पहले राकेश रोशन ने यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के पांव धोकर उनकी सेवा की। इस तरह के सम्मान को पाकर यहाँ रहने वाले बुजुर्ग भी भावुक नजर आए। सर, लगातार आप टीवी सीरियल बॉलीवुड से जुड़े रहे, अब अचानक से ये जो पारी थी ये स्पिरिचुअल की तरफ आ गई, क्या मायने हैं इसके? मैं जब भी कभी इतने टाइम से मैं हम लोग मार्केट जाते हैं और घर के बाहर जाते हैं, रास्ते में हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि जो बाहर एक गीता का जो प्रचार चल रहा होता है, जब भी लोग हम लोग सोचते हैं कि गीता क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए, तो जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझे अपनी चीज़ों का अनुभव हुआ। और सभी को अपने जीवन में गीता का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, और उसके साथ साथ जो आज की डेट में जो मतलब सभी को ये चीज़ पता है कि कलयुग में नाम ही एक सहारा है, फिर भी लोग नाम जाप नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको खुद को नहीं पता, अपने फैमिली को इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो नाम जाप तो बहुत दूर की बात है। तो मैं इसीलिए आज सेवाधाम वृद्ध आश्रम जो रेणु माँ यहाँ पे इनको रन कर रही हैं इतने सालों से, तो यहाँ पे कई माताएं बहनें हमारे हैं, पापा जैसे समान लोग हैं, तो उन सभी को एक माला जाप और हरि का नाम यहाँ तक पहुँचाना है। सर, आज आपका बर्थडे भी है, क्या विशेष रूप से इसको चुना गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस बर्थडे को विशेष रूप से नहीं चुना गया है, क्योंकि मैंने माँ को स्पेशली कहा था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बर्थडे एक अलग, वो तो भौतिक जीवन का एक कार्यकाल है जो सभी के आते हैं और सभी के जाते हैं, लेकिन मेन जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है वो है नाम जाप। आपने कहा कि आज बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन गिफ्ट तो बनता है, आप क्या देकर जा रहे हैं आज वृद्धा आश्रम के लोगों को, जैसे आपने बताया नाम जाप वगैरह? तो सभी लोगों को जो है आज मैं देने वाला कौन होता हूँ, ईश्वर जो है, मेरे माधव जो है, वो पहुँचा रहे हैं मुझे यहाँ तक, और यहाँ से शुरुआत हुआ है। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, चाहे जितना भी अच्छा कार्य होता है, सब यहीं से शुरुआत हुआ है, रेणु माँ की तरफ से शुरुआत हुआ है। तो ये माला जाप और माला जो सभी जगह पे पहुँचाया जाएगा, तो यहाँ से शुरुआत हो गई और आगे भी बहुत आगे तक जाएगा। जो हम सभी लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरि नाम ही एक सहारा है, तो इसका जो महामंत्र का जाप है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का स्मरण आप सभी लोग सदैव करते रहिए और ईश्वर के नज़दीक जाते रहिए, और साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं आप सभी लोग करते रहिए। राधे राधे। इस आश्रम की फाउंडर रेणु लुथरा ने यहाँ सेवा की एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। यहाँ आए लाचार और विकलांग लोगों की उन्होंने ऐसी सेवा की है कि आज वह बिना सहारे के चलते नजर आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सच्ची सेवा से ही संभव है। जब कोई बेसहारा लोगों को अपना कहकर सीने से लगाता है तो भावनाएं उमड़ आती हैं और नम आंखें समुद्र हो जाती हैं। ये वो लोग नहीं जो शब्दों को गढ़ दें,
ये तो केवल अपने चेहरे के भाव से ही बता देते हैं कि इनको यहाँ कितना प्यार मिला है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी दुख भरी कहानी सुना चुका हूँ और फिर सुना रहा हूँ कि 6 महीने बाद हमारे साथ यहाँ कैसा बीत रहा है इस वृद्धाश्रम में। हम पति पत्नी को हमारा बेटा छोड़ करके यहाँ से गया था और उसके बाद एक बार भी मुड़ करके नहीं देखने आया। हालांकि वो एक दो बार चार बार फ़ोन किया है लेकिन देखने नहीं आया है। हम लोग यहाँ पे तो आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, अपने भाग्य के आशीर्वाद से हम लोग बहुत सही हैं। यहाँ जो रेणु माँ है, हम उनको माँ बोलते हैं, माँ से भी बड़ा कोई पोस्ट होता तो उनको देते, लेकिन अब उससे बड़ा पोस्ट तो हमारे पास है नहीं। हम इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बेचारी हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है। हम लोग यहाँ से अपने घर में उतना, अगर कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमाएगा तो इतना मतलब जो है फैसिलिटी से नहीं रह पाएगा जिस फैसिलिटी से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, जिस दिनचर्या से रहते हैं, जिस नियम से पालन करते हैं, जिस नियम से रहते हैं, वो किसी भी तरीके से अपने परिवार में नहीं हो सकता। तो स्वतः हम लोग चल नहीं पाती थी और अब इम्प्रूव ये है कि वो खुद चलती है, विदाउट स्टिक भी चलती है, मतलब अपने से चलती है। कुछ बोल नहीं पाती थी, अब धीरे धीरे वो उसका आवाज़ भी खुल रहा है, बोल रही है। ये हॉस्पिटलाइज भी थी करीब 1 महीना 10 दिन और हॉस्पिटलाइज होने के बाद इनको काफ़ी इम्प्रूव हुआ, काफ़ी ये स्वस्थ हुई और उसके बाद इनका चाल सुधर गया, ये चलने लगी। अब थोड़ा बहुत हाथ का प्रॉब्लम है जो कि पैरालाइज के माध्यम से है, वो भी ठीक हो जाएगा। उसका भी एक्सरसाइज और मसाज वगैरह यहाँ उपलब्ध है जो कि हमारी माता करवाती हैं। कुछ कहो। वो बहुत बढ़िया है, सही बात है, बहुत बढ़िया। रेणु जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? रेणु जी बहुत बढ़िया है, सही बात है। रेणु जी से प्यार मिलता है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सही है। सुमन जी, यहाँ पर आप देखते हैं लोग जन्मदिन मनाने आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे लिए कीमती सबने निकालते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ मनाते हैं, वो भी खुश होके जाते हैं कि हमारे साथ ये मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो आते हैं हमारे लिए कीमती समय निकालते हैं अपना। तो घर की कुछ याद इसमें जुड़ती हैं? जब आपको बता तो रही हूँ, 3 दिन ये अभी अष्टमी वाले दिन मेरी मैडम ना जोत जला रही थी, तो मेरा बेटा ना जोत जलाता था, तो उसको तो अब 6 साल हो जाएंगे, तो वो जब जोत जला रहा था ना, मुझे अपने बेटे की बड़ी याद आई थी। मैं मैडम को देख के कह रही थी कि मैडम जोत जला रही है ना, तो मुझे बेटे की याद आ रही है। मैं उसे यही कह रही थी, आई मिस यू बेटे, जहाँ भी है तू खुश रहे, पर मुझे आज तेरी बहुत कमी महसूस हो रही है। अब बाकी लोगों से जो जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, उन लोगों से क्या फील करते हैं कि वो लोग आपके बीच में आए? उनको हमारे साथ खुशी मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है वो आते हैं तो, कि हमारे पास आते हैं। चलो अपने तो दूर है, यही लोग हमें अपना समझ के हमारे पास आते हैं। रेणु जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? रेणु मैडम के लिए तो जितने शब्द कहे जाएं उतने ही कम है। मेरी रेणु मैडम, मैं पहले दिन ही आई थी ना, मैंने रात को बड़ी परेशानी से काटी थी, बेचारी सुबह मेरे लिए 8 बजे आ गई, कह रही क्या बात है। मैंने कहा मैडम मैं बड़ी परेशान हूँ, क्योंकि ना मैं वहाँ AC में रह के आई और यहाँ बड़ी गर्मी थी, रोई जा रही थी। तो मैडम कहती है थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो। मैंने कहा, फिर मैडम मेरे को कह रही तुम्हें क्या बाथरूम आया? मैं वो दिन नहीं भूलती, मेरी मैडम यहाँ थे 3 मजदूरों को लेके मुझे उठा के पॉट पे लेके गई, बल्कि मेरे साथ उन्होंने पकड़ के मुझे बाथरूम कराया। मैं वो दिन भी नहीं भूलती जब वो बेड का कहती है ना कि सुमन ये तेरा बेड है, तो मैं कहती मैं रो पड़ती हूँ। मैंने कहा दीदी मेरा घर का बेड तो टूट फूट गया कब का, आपने मुझे आज ये नाम दिया, मैं रेणु मैडम के उपकार कभी नहीं भूल सकती, मैं कभी नहीं भूल सकती। और मैंने उनको पहले दिन ही दीदी माना है और मैं उनके हस्बैंड को जीजू ही बुलाती हूँ, मैंने उसे बहन ही माना है, और उन्होंने भी बड़ी बहन बन के, चाहे 2 साल बड़ी हैं,
मेरा बहुत साथ निभाया, क्योंकि जब अपने नहीं घर लेके जाते तब रेनू मैडम सहारा देती है, इससे ज्यादा और क्या होगा। उस रेनू मैडम ने हमारे लिए इतना कुछ कर रखा है, दिन रात मेहनत करके हमारे लिए इतना जोड़ती है, ना ढंग से सोती हैं ना कुछ है, बस आश्रम आश्रम अपना बुटीक भी छोड़ दिया हमारे लिए। इससे ज़्यादा मैं अपनी मैडम के लिए क्या करूँ, बस कहती हूँ इनको तंदुरुस्ती बख्शे और इनको खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि ये खुशियाँ समेटते समेटते फूल ही ना समाए। मैं अपनी मैडम के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप कह रहे हो ना आपको कभी याद आती है, याद तो बहुत आती है अपने बच्चों की, जब ऐसे बच्चे मिलते हैं ना तो और भी मन खुश होता है कि है हमारे साथ कोई। आज इन्होंने हमारे पैर धोए ना, हम इस योग्य हमारे आश्रम वाले कोई भी नहीं है इस योग्य, जितना इन्होंने आज मान सम्मान दिया, बस वो मान सम्मान हम भूल नहीं सकते, इनका एहसान भी नहीं उतार सकते। ये हमें ना ये गिफ्टेड मिले, वो तो हमने अपने आप बच्चे को अपने आप पाला ना, ये गिफ्टेड भगवान के गॉड गिफ्टेड मिले। आप लोग गॉड गिफ्टेड हैं, आप लोगों का ये तो मुझे सेवा। इसने मुझे एक प्रॉमिस करा है, गॉड प्रॉमिस कि ये मेरे को बायर शिरडी लेके जाएगा, पर मुझे शिरडी एक बार घुमा दिया इसने। यूं तो जीने के लिए कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन जब समाज के संपन्न तबके से भी लोग यहाँ आकर इनके बीच रहकर इनके चेहरे पर मुस्कान देते हैं, तो फिर यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जीने की सिर्फ एक ही वजह होती है, गम भुलाकर मुस्कुरा देना। फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा कि लोग सच में ऐसे करते हैं, जब मैंने देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया कि लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं कब से जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से सोचता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन जो लोग मतलब रोड पे बैठ के भीख मांगते हैं या जिनको खाने को नहीं मिलता है उनको मुझे हेल्प करना है, चाहे मेरा सपना पूरा हो या ना हो, लेकिन उनका जो भी सपना हो जितना भी मुझसे हो सकता है उतना पूरा करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने लाइफ में यही चाहता हूँ। आप कुछ भावुक नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? बस कारण ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम आकर देखा कि जो मतलब जो माँ बहन है मतलब माँ पापा जैसे लोग हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कि जब जो लोग छोड़े हैं जो अपने माता पिता को नहीं हुए वो किसी और के क्या होंगे। मैं तो अपने लाइफ में सोचता था कि चाहे कुछ भी हो या ना हो लेकिन मैं अपने माता पिता को कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जब आकर यहाँ पर देखा तो लोग मतलब ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन लाइफ में पैसा ही मायने नहीं रखता, जो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लाइफ में वो मायने रखता है, तो इसीलिए आप अपने लाइफ में पैसे के पीछे मत भागिए, बस आपसे जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, और मैं तो चाहता हूँ मैं अपने लाइफ में कुछ भी हो या ना हो लेकिन मैं अपने लाइफ में हेल्प करने की कोशिश करूँगा मुझसे जितना होगा। मेरा नाम सुनील है और मैं गुड़गांव से आया हूँ और मैं अभी अंदाजन 1.5 महीने हुआ है यहाँ आए हुए। आश्रम बहुत बढ़िया है और यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने परिवार जैसे ही लगते हैं, और आश्रम की जो संस्थापक हैं रेणु लूथरा जी, वो उनको हम मैडम नहीं कहते, वो हम उनको हम दीदी कहते हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो हम सबको अपने बच्चों की तरह अपने भाइयों की तरह ही समझती हैं और उसी तरह प्यार देती हैं, और रात को घर भी मजबूरी में जाती हैं, अगर उनका बस चले तो वो भी हमारे साथ रात को यही सोचते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के, और वो रात को भी नोटिस करती रहती हैं कि हम लोग सोए हैं कि नहीं सोए, खाना खाया है कि नहीं खाया, मतलब अगर उनको लगेगा कि अपने कैमरे में देखती हैं कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो छूटते ही मनोज जी को फ़ोन करती हैं कि मनोज जी फटाफट उनके पास जाओ और उनको देखो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा सोचा, फिर सोचा कि नर सेवा नारायण सेवा, मम्मी पापा एकदम से चले गए कुछ नहीं कर पाए लेकिन मुझे इनकी सेवा करनी है, तो मैं गुरुद्वारा बंगला साहेब शीशगंज हनुमान मंदिर रकाबगंज जाके सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसे ही खाना बनाना, जख्म तक भी जैसे कीड़े भी पड़े मुझे कोई वो नहीं फर्क पड़ता, मैं हाथ से भी निकालता था, ऐसे किया मैंने। मेरी एक सिस्टर है यहाँ पे, कज़न सिस्टर रहती है पश्चिम बिहार में, तो उन्होंने कहा बेटा जब तू ऐसी सेवा ही कर रहा है तो बड़े बुजुर्गों की करने की इच्छा ही है, ओल्ड एज होम्स हैं तो उसमें कर, तो उसमें उनका एक लिंक था, पहले मैं वहाँ करता था, 6 साल मैंने वहाँ किया। इन दीदी से भी मेरी 5 साल से अच्छी बहन भाई क्या माँ बेटे जैसा एक टच है, इन्होंने आश्रम खोला था तो मैंने कहा दीदी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कह रहे बेटा अभी मेरा सेटअप भी ऐसा नहीं है, तेरे जैसे आदमी आएगा तो एक अलग सा हो जाता है ना, मेरे पास जब भी ऐसा लगेगा मुझे फील होगा आई विल कॉल यू, मुझे 1 साल होने वाला है अभी। आज यहाँ अपना जन्मदिन मनाने वाले राकेश रोशन ने रोटियां बनाकर अपनी सेवा दी।
और इन्हीं लोगों के बीच केक काटकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है। फाउंडर रेनू लूथरा की सेवा और राकेश रोशन जैसे लोगों का समर्पण यही आज मानवता की मिसाल है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।